मटर के घुघनी बनाना बहुत आसान है और इसे आप किसी भी चाट या फिर पोहा मुरमुरे के साथ मिक्स करके खा सकते हैं या फिर रोटी चपाती के साथ भी ये खाया जा सकता है। तो घुघनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फ्रेश मटर लिया है 500 ग्राम और ध्यान रखेंगे कि मटर कच्ची होनी चाहिए, इसकी दाना पका हुआ नहीं होना चाहिए। कच्ची दाना होगा तभी हमारा घुघनी अच्छा बनेगा। तो मैंने मटर के दाना निकालने के बाद दाने को धो लिया है और उस तरीके से टोकरी में रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल अच्छे से गर्म होने के बाद 1 चम्मच जीरा डाल दिया। जीरा तड़कने के बाद इसमें 2 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे और लहसुन को कुछ सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे। सरसों तेल की जगह आप कोई भी आप अपना फेवरेट ऑयल यूज कर सकते हैं, पर घुघनी को सरसों के तेल में बनाया जाए तो बहुत टेस्टी बनते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक डालेंगे क्रश किया हुआ या फिर घी या कस्से घसा हुआ, बारीक काट करके नहीं डालेंगे क्योंकि वो दांत के नीचे आ जाते हैं तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। अब लहसुन और अदरक को कुछ सेकेंड के लिए ही फ्राई करेंगे तेल में, बस इसका कच्चापन चला जाए इतना देर ही फ्राई करना है। अब हम इसमें 2 बड़े साइज के बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। आप चाहे तो प्याज को लंबे पीस में भी पतले पतले कट करके डाल सकते हैं, प्याज को भी कच्चापन जाने तक ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। कच्चापन चला जाए इतना देर ही फ्राई करेंगे, नहीं तो घुघनी में करवाहट का टेस्ट आने लग जाता है। तो बस कुछ सेकेंड ही प्याज को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने कुछ देर प्याज को फ्राई कर लिया है, बस थोड़ा सा ही इसका कलर चेंज हुआ है। अब हम इसमें हरी मिर्च बहुत सारा कट करके डालेंगे या फिर बीच से चीरा लगा करके भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च इसमें अदरक लहसुन ज़्यादा जाता है तभी ये टेस्टी लगता है खाने में। अगर आपको मिर्ची खाना कम पसंद है तो आप अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मिर्ची को भी हमने कुछ सेकंड तक इसी में फ्राई कर लिया, साथ साथ प्याज भी फ्राई हो गया है। अब हम इसमें मटर डाल देंगे। तो मटर को अच्छे से कोई टोकरी में रख दे ताकि उसका सारे पानी निकल जाए। अब हम इसे मिक्स करेंगे और आँच हम तेज कर लेंगे इस टाइम। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि प्याज नीचे में जाके जल ना जाए। तो पहले मटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आँच तेज रहेगा, तेज आँच पे ही इसे हम पकाना है, मटर को तेज आँच पे ही पकाएंगे। अब हम इसमें हल्दी के पाउडर 1/2 चम्मच डालेंगे और इसी टाइम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे पिंक नमक यूज कर रही हूँ, तो पिंक नमक ना ज़्यादा यूज होता है तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 बार डाल रही हूँ। तो बस वही टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालना है, चाहे आप 2 बार डालें या 3 बार, पर टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक जाएगा। नमक डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। नमक और हल्दी डाल देने के बाद मटर अच्छा क्वांटिटी में पानी छोड़ देते हैं और इस टाइम हल्दी डालने से हल्दी कच्चा नहीं रहता है, तो इसलिए नमक और हल्दी इसी टाइम डाल दें तो बाद में हल्दी का कच्चापन का टेस्ट नहीं आएगा। हल्दी और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मटर के हर एक दाने में नमक और हल्दी लग जाए। आँच इस टाइम तेज ही रखना है। मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। तो बस लगभग 2 मिनट तक हम तेज आँच पर इसे पकने देंगे। नमक और हल्दी डालने के बाद इसमें देखना जब हम ढक्कन बंद करके पकाते हैं ना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देते हैं। ये देखिए पानी ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके अगर मटर का दाना पका हुआ है ना तो फिर आप उसमें इस टाइम पानी डाल करके पका सकते हैं, फिर वो इतना टेस्टी नहीं बनता है। कच्चा दाना होता है तो ये खुद ही अपने आप पानी छोड़ देते हैं और बनता भी है टेस्टी। तो देखिए पानी छोड़ दिया ना अपने आप, इसमें मैंने पानी नहीं डाला है। फिर से मिक्स कर लेंगे इसे और फिर से इसका ढक्कन बंद कर देंगे बस वही 1.5 से 2 मिनट के लिए। और 1.5 से 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे या फिर बीच में भी चेक कर सकते हैं।
तो ये देखिए मैंने लगभग 2 मिनट तक पकाया है। आंच को आप मध्यम से लो पर रखें इस टाइम, ताकि मटर पक जाए। तो ये देखिए इस टाइम पानी सूख गया है, पानी को हमें सुखाना ही था। इस पानी को हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि यही पानी में मिठास होता है, जिसके वजह से घुघनी हमारा टेस्ट ही बनता है। तो देखिए पानी सूख गया ना, इतना ही देर में बस पानी को सुखाना ही था, और इस टाइम मटर हमारा 50% पक गया है। तो देखिए थोड़ा सा भी पानी इसमें नहीं है। तो अब हम इसमें कुछ मसाला डाल देंगे, और मसाला हम एंड में भी डालेंगे, जो कि घुघनी को और भी टेस्टी बनाते हैं। 1 चम्मच अमचून के पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास अमचून के पाउडर नहीं है तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, या फिर टमाटर भी डाल सकते हैं। 2 से 3 जब आप मटर डालते हैं उसी टाइम, तो साथ साथ टमाटर भी पक जाएगा। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया, भुना हुआ जीरा पाउडर। 2 चम्मच भर के धनिया के पाउडर जाएगा इसमें, और 1/2 चम्मच गरम मसाला के पाउडर लेंगे। अगर आपके पास गरम मसाला के पाउडर नहीं है तो ये सिंपल भी बन जाते हैं। तो देखिए 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मसाला डालने के बाद आंच को धीमी कर लेंगे, नहीं तो ये मसाला ना जल जाते हैं, फिर टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मटर का तो सारे पानी सूख गया है, अब जो थोड़ा बहुत तेल बचा है उसी तेल में मसाला हमारा भुनेगा, तो इसीलिए इस टाइम आंच को धीमी कर लेंगे, ताकि मसाला जले भी ना और मसाला पक भी जाए, जैसे कि धनिया का पाउडर का टेस्ट कच्चापन का ना आए। और अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, ताकि अमचूर्ण पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जो भी मसाला डाला है ना, वो अच्छे से मटर में लटपट से जाए। और देखिए प्याज कितना सॉफ्ट हो गया है कि दिख भी नहीं रहा है। तो मटर के साथ साथ प्याज भी अच्छे से पक गया है, गल गया है, इसीलिए शुरुआत में प्याज को ज़्यादा हमने नहीं पकाया था। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन बंद कर देंगे, फिर से लगभग 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर देंगे, और आंच को धीमी रखेंगे। आप चाहे तो बीच में एक बार मिक्स भी कर लें, ताकि मसाला जो है नीचे जाके जल ना जाए। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक इसका ढक्कन बंद करके पकाएंगे, या फिर जब तक मटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक इसे धीमी आंच पर पकने देंगे। अगर मटर के दाने में थोड़ा पानी रह जाता है तो आप आंच को थोड़ा तेज करके भी पका सकते हैं। 1/2 चम्मच लाल मिर्च के पाउडर भी डालेंगे। तो हमने हरी मिर्च भी बहुत सारा डाला था, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च के पाउडर डाली हूँ। इससे कलर अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है मिर्च पाउडर डालने से। इसे भी मिक्स कर लेंगे, और ध्यान रखना कि मटर को ना बिल्कुल घुलाना नहीं, इतना पकाना कि बस इससे ये मटर के दाने 1% कच्चा रहना चाहिए, बस 1% कच्चा रखना है, क्रंच इसका बना रहे। तो इसे मैंने फिर से ढक्कन बंद करके लगभग 2 से 3 मिनट तक पका लिया, या फिर उससे कम भी पका सकते हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए करछी के ऊपर एक दाना रखेंगे और उसे दबा करके देखेंगे। अच्छे से ये दब जाता है और थोड़ा सा क्रंच बना रहता है, तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। तो पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर इसे हम चेक करेंगे। कोई भी सब्जी को आप ज़्यादा पका दो ना, तो उसके भी वजह से टेस्ट खराब हो जाता है। तो ये मटर पक ही गया है, फिर भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी। तो मैंने इसमें बारीक कटी हुई हरा धनिया के पत्तियाँ डाल दिया है। आप चाहे तो एंड में भी गरम मसाला पाउडर डाल सकते हैं। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप इसे मुरमुरे या फिर पोहा को फ्राई करके उसमें भी मिक्स करके खा सकते हैं, या फिर पराठा रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसमें चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला बनाना बहुत आसान है। उसमें डालें अजवाइन 1 चम्मच, धनिया, हींग
जो भी मसाला होता है उसे रोस्ट करके पीस लें तो चाट मसाला तैयार हो जाता है, वही मैंने छिड़क दिया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।